रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की, रैंक क्या होती है किसी मैट्रिक्स की, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स एचलोन और रिड्यूस एचलोन फॉर्म। ठीक है, तो रैंक क्या होती है किसी मैट्रिक्स की, जब भी आप किसी मैट्रिक्स को किसी उसकी उसको किसी मैट्रिक्स को एचलोन या रिड्यूस एचलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो आपको फाइनली एचलोन या रिड्यूस एचलोन फॉर्म मिलती है गिवन मैट्रिक्स की, उसमें जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी उनकी तादाद जो है वो होगी उस मैट्रिक्स की रैंक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल की नज़र आ रही है, एग्जांपल नंबर 21 आपको स्क्रीन पर लिखी नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है मैट्रिक्स ए, इसको उन्होंने क्या किया है, इस मैट्रिक्स को उन्होंने एचलोन या रिड्यूस एचलोन फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म किया है यूजिंग रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन लगाने के बाद जब उन्होंने एचलोन फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो यहाँ पे एंड पे गिनना है आप लोगों ने कि कितनी नॉन जीरो रोज आ रही हैं, कि उतनी वो रोज़ कितनी हैं जिनमें कम अज़ कम एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो एक रो आपके पास ये है जो कि नॉन जीरो है, और दूसरी रो आपके पास ये है जो कि नॉन जीरो है। दो रोज़ नॉन जीरो हैं और एक रो जो है वो सारी की सारी जीरो बन रही है। तो इस तरह एचलोन फॉर्म में आपको जो है वो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मिल रही हैं वो कितनी हैं, दो हैं। इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो क्या होगी, इस मैट्रिक्स की रैंक टू होगी। तो मैट्रिक्स को चाहे आप एचलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें या रिड्यूस एचलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें, दोनों केसेस में जब आप उस मैट्रिक्स को देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हैं, तो वो क्या होगा, वो फिक्स नंबर ही होगा, चाहे आप उसको एचलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें या रिड्यूस एचलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस मैट्रिक्स में जितनी नॉन जीरो रोज होंगी उनकी तादाद जो है वो उनको हम कहते हैं कि वो हमारे गिवन मैट्रिक्स की रैंक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व की हुई है, इसी बहाने आपको फिर से ये जो है वो मैं ये एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूँ, ताकि इसी बहाने आपको जो है फिर से जो है वो किसी भी मैट्रिक्स को एचलोन या दूसरे एचलोन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करने का वे जो है वो रिपीट हो जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 21 है, इसको हम जो है एचलोन या दूसरे एचलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और मैंने आपको इससे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी करवाया था कि किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जब आपने जैसे ही मैट्रिक्स को एचलोन या दूसरे एचलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें जो जीरो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एंड पे, जीरो रोज जो है वो सारी की सारी एंड पे होनी चाहिए। अब आपको जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया इसमें कोई भी जीरो फिलहाल आपको नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो वाला केस तो खत्म हो गया फिलहाल। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हर रो का जो पिवट एलिमेंट है उससे पिछली रो के जो पिवट एलिमेंट है उससे आगे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसमें जो आपको रो नज़र आ रही हैं, हर रो का पिवट एलिमेंट जो है वो उससे पिछली रो से आगे नहीं है, बल्कि हर रो का पिवट एलिमेंट जो है पहले नंबर पर लिखा हुआ है। पहली रो का पिवट एलिमेंट 5 पहले नंबर पर है, दूसरे रो का पिवट एलिमेंट -3 वो भी पहले नंबर पर ही है, तीसरे रो का पिवट एलिमेंट -1 वो भी पहले नंबर पर ही है। तो ये पहले पहले नंबर पर होने नहीं होने चाहिए, हर रो का पिवट एलिमेंट क्यों होना चाहिए उससे पिछली रो से एक स्टेप जो है वो एक कम अज़ कम एक स्टेप जो है वो आगे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि जो पहली रो का पहला पिवट एलिमेंट है उससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएँ, जीरो हो जाएँ। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होता है कि जो नेक्स्ट आने वाली रोज होती हैं उनका पिवट एलिमेंट जो है ऑटोमेटिकली जो है वो पहली रो से आगे चला जाता है। ठीक है, अब हमने ये जो प्रोसीजर करना है कि पहली रो का जो पहला एलिमेंट है उससे नीचे वाले सारे एलिमेंट जो है वो जीरो बनाने हैं। अब किसी भी रो का जो पिवट एलिमेंट है उससे अगर आपने ऊपर या नीचे वाले एलिमेंट जीरो बनाने हैं, तो उस रो का अगर पिवट एलिमेंट आप 1 बना देते हैं, तो 1 बनाने से आपको जो है वो उस पिवट एलिमेंट को यूज़ करते हुए उससे ऊपर या नीचे वाले एलिमेंट्स को जो जीरो बनाना है वो आपके लिए आसान हो जाता है। इसकी डिस्कशन मैंने आपको एक साथ लास्ट लेक्चर में भी की थी। तब आप तो ये कर सकते हैं कि यहाँ तो ये जो पहली रो है ए, इसको पूरी की पूरी रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि आपका जो पिवट एलिमेंट पहली रो में क्या आ जाएगा, इन दी एंड 1 बन जाएगा। लेकिन उससे कैलकुलेशन में क्या चेंजिंग आएगी, उससे कैलकुलेशन में ये चेंजिंग आएगी कि जब आप 1/5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 9/5, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 3/5। और क्वेश्चन के स्टार्ट में ही जो है क्या हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन में जो है वो फ्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब आप फर्दर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करते हुए जो प्रॉब्लम पेश आएगी, फ्रैक्शन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना और उनको किसी दूसरे नंबर में ऐड करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। तो बजाय इसके कि आप जो है 1/5 से पूरी की पूरी और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5 की जगह 1 बनाएं, आप जो है कोई और वे जो है चूज़ कर लें, जिस वे के ज़रिए आप जो है आपका पिवट एलिमेंट जो है पहली रो का वो 1 बन जाए। और दूसरा वे ये तो है, यहाँ तो हम क्या करें, किसी दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर लें जिनका पहला एलिमेंट जो है 1
है, या फिर एक वे ये है कि हम किसी दूसरी रो को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बाद में जब इस पहली रो में ऐड करें तो ऐड या सबट्रैक्ट करें तो ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद आंसर हमारे पास जो है वो वन बन जाए। तो दो वेज आपके पास और भी हैं, तो हमने कोशिश करना है आसान वाला वे चूज़ करें। तो आसान वाला वे यही है कि यहाँ पर जो माइनस वन लिखा हुआ है तीसरी रो का पहला पिवट एलिमेंट, पहला एलिमेंट उस तीसरी रो को अगर हम पहली रो के साथ जो है वो इंटरचेंज कर दें तो उससे क्या होगा, हमारी जो पहली रो है उसका पिवट एलिमेंट जो है वो माइनस वन बन जाएगा, जिसको आप इजीली जो है वो वन बना सकते हैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करने के बाद। और हमारी जो एलिमेंट्स हैं उनमें कहीं भी जो है वो फ्रैक्शन जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह हम जो है वो बगैर फ्रैक्शन को इन्वॉल्व किए हम क्या कर सकते हैं, ईजिली अपनी पहली रो के पिवट एलिमेंट को जो है वन बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी ऑप्शन ना हो तो इन दी एंड आप जो है फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज अगर आप किसी और तरीके से जो है वो वन बना सकते हैं तो कोशिश करें कि फ्रैक्शन के बगैर वाला तरीका जो है चूज़ करें ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज अगर आप स्टार्ट में ही 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, और अगर आपने सारी कैलकुलेशन सही की है तो आपका आंसर भी सही आएगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी जब आपका आपके आपकी कैलकुलेशन में फ्रैक्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये दोनों ही सही होते हैं, कोई भी प्रश्न लगाएं कोई गड़बड़ नहीं होती। अगर आपने सही लगाया तो इन दी एंड आपका आंसर सही ही आता है। तो लेकिन बस कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आप जब भी कोई प्रश्न लगाएं तो जितने भी ऑपरेशन के आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं तीन ऑपरेशन हैं उनमें से आप वो वाला प्रश्न लगाएं जो लगाना आपके लिए ईजी हो, जिसको लगाने से आपको जो है वो आपकी कैलकुलेशन में कम से कम फ्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व हों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स ए गिवन दिया गया है इसकी जो पहली और तीसरी रो है इनको क्या करेंगे, हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। तीसरी रो जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगी और जो पहली रो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, पहला एलिमेंट वन बनाना है, यहाँ पे माइनस वन लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे पूरी की पूरी जो रो आर वन है उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने सेकेंड रो ऑपरेशन ये पढ़ा हुआ था कि हम किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आर वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ पे जो माइनस वन लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास प्लस वन बन जाएगा, माइनस फाइव जो है वो प्लस फाइव बन जाएगा, और माइनस थ्री जो है वो प्लस थ्री बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपकी पहली रो का जो पहला पिवट एलिमेंट जो है वो क्या बन गया है, पहली रो का पिवट एलिमेंट जो है वो क्या बन गया, वन बन गया। अब इस वन की मदद से आप जो है इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो बना सकते हैं, क्योंकि इनको जब आप ज़ीरो बनाएंगे तो आपकी जो दूसरी रो होगी नॉन जीरो रो होगी उसका पिवट एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली पहली रो का जो पिवट एलिमेंट वन है उससे आगे चला जाएगा। और यही है वे एशलोन या रिड्यूस एशलोन फॉर्म बनाने का, कि हमने कोशिश करनी होती है कि जो सबसे पहली रो है उसका पिवट एलिमेंट जो है वन हो और उससे नीचे वाले एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट रो आएगी उसका भी पिवट एलिमेंट वन बनाएंगे, फिर वन बनाने के बाद अगर आपने एशलोन फॉर्म बनानी है तो उसके से नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो कर दें, और अगर रिड्यूस एशलोन फॉर्म बनानी है तो उसके ऊपर वाले एलिमेंट भी ज़ीरो कर दें उस वन की मदद से। तो आपको इंडियन जो है वो एशलोन फॉर्म या रिड्यूस एशलोन फॉर्म का जो कह लें कि शेप जो है वो मिलती जाएगी। तो नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, इस वन की मदद से हम लोगों ने जो है वो माइनस थ्री और प्लस फाइव को ज़ीरो बनाना है। अब माइनस थ्री और प्लस फाइव को ज़ीरो कैसे बना सकते हैं, आप लोगों को पता है अगर माइनस थ्री को हमने ज़ीरो बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इस माइनस थ्री में प्लस थ्री जो है वो यहाँ से मिली कराई थ्री जो है वो ऐड करना पड़ेगा। और इस फाइव को ज़ीरो कैसे बना सकते हैं, इस फाइव को ज़ीरो ऐसे बना सकते हैं कि इस फाइव में से अगर हम फाइव को माइनस कर दें तब भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो सेकेंड जो रो है उसमें थ्री कैसे ऐड करेंगे, और जो थर्ड रो है उसमें से फाइव कैसे माइनस करेंगे, वो ऐसे माइनस करेंगे कि आप क्या करेंगे उस नंबर को जो है वो जिस नंबर को आपने ऐड या सबट्रैक्ट करना है किसी दूसरे रो में से, पहली रो को क्या करेंगे उस नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमने इसको दूसरी रो में ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस माइनस थ्री की बात करें तो इसमें हमने थ्री ऐड करना है ताकि हमारे पास आंसर यहाँ पे ज़ीरो बन जाए। तो हम क्या करेंगे, जो पहली रो है उस पूरी की पूरी पहली रो को यानी कि आर वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे इसको आर टू में ऐड कर देंगे। तो आर टू प्लस थ्री आर वन, ठीक है, पहली रो को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आर टू में ऐड कर देंगे, फिर देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। तो कैलकुलेशन आप लोगों ने रफ वर्क में साइड भी करनी है। जब पहली रो को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास पहली रो है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा थ्री जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री आएगा, थ्री जब फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 15 आएगा, और थ्री जब थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर जो है वो 9 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है
थ्री आर वन का आंसर, कि आर वन को हमने थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस आर टू को क्या, थ्री आर वन को क्या करना है, आर टू में ऐड करना है। तो आर एक रो को दूसरे रो में ऐड करने का मतलब ये है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करना है। ये आपके पास थ्री आर वन है, इसको हमने क्या करना है, आर टू में ऐड करना है। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करो। अब थ्री जब माइनस थ्री में ऐड होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। उसी तरह ये जो फिफ्टीन है, ये फिफ्टीन जब इस फाइव में ऐड होगा तो ऐड होने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वेंटी आ जाएगा। और इसी तरह ये जो नाइन है, ये नाइन जब इस सिक्स में ऐड होगा तो सिक्स में ऐड होने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिफ्टीन आ जाएगा। तो ये हमने ये वाला ऑपरेशन लगा लिया है, आर टू प्लस थ्री आर वन। ये लगाने का हमें क्या फ़ायदा मिला है कि जो ये वन था, इस वन के जो नीचे वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। उसके बाद इस वन के नीचे वाला एलिमेंट जो फाइव है उसको भी हमने ज़ीरो बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइव में से फाइव को माइनस करेंगे। फाइव में से फाइव को माइनस कैसे करना है, जो आपकी आर वन है इसको क्या करेंगे हम फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइव के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आर थ्री है, फाइव आर वन को आर थ्री में से माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ज़ीरो बन जाएगा। ये भी अगर मैं डिटेल में कैलकुलेशन करूँ, आपके यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, फाइव को आर वन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आर वन लिखी हुई है, फाइव को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा फाइव, ट्वेंटी फाइव और फिफ्टीन। ये हमने क्या कर दिया है, फाइव को आर वन से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद इसको क्या करना है, इस पूरे के पूरे फाइव आर वन को हमने आर थ्री में से माइनस करना है। तो आर थ्री में से माइनस करने का मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से माइनस करना है। जब फाइव में से फाइव को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। याद रखिए, आर थ्री में से जो है वो फाइव आर वन को माइनस करना है। तो पहले एलिमेंट आपने नाइन लेना है, और नाइन में से आपने क्या माइनस करना है, ट्वेंटी फाइव को माइनस करना है। तो आंसर आपके पास जो है माइनस सिक्सटीन आ जाएगा। फिर आपने आर थ्री का लास्ट वाला एलिमेंट थ्री लेना है, उसमें से फिफ्टीन को माइनस करना है। तो जब आप फिफ्टीन को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा थ्री माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। ये दो ऑपरेशन जो है जो उन्होंने एक ही जगह पे लगाई हुई है, मैंने आपको अलग अलग जो है वो दोनों ऑपरेशन जो है वो सॉल्व करके समझा दिए हैं। लेकिन उन्होंने जो है वो एक इस टाइम में दोनों ऑपरेशन किए हुए हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक इस टाइम में कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। कैलकुलेशन जो है वो सही होनी चाहिए। तो दोनों ऑपरेशन लगा दिए हैं, दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद आपका जो स्टार्ट में ये वन था उसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या बन गए हैं, अब ये ज़ीरो बन गए हैं। अब क्योंकि हमने नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो बना दिए हैं, इसलिए जो पिवट एलिमेंट है दूसरी नॉन जीरो का वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पहली नॉन जीरो के पिवट एलिमेंट से की राइट साइड पे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट फिर अगेन जो दूसरी रो का पिवट एलिमेंट है और तीसरी रो का पिवट एलिमेंट, अगर आप उनकी पोजीशन को देखें तो ये है दूसरी रो का पिवट एलिमेंट, और जो तीसरी रो का पिवट एलिमेंट है वो भी उससे बिल्कुल नीचे ही है, उससे आगे नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें उससे आगे चाहिए, उससे नेक्स्ट रो का पिवट एलिमेंट। तो हमें क्या करना होगा, ये जो दूसरी रो का पिवट एलिमेंट है उससे जो नीचे वाला एलिमेंट है उसको ज़ीरो बनाना होगा। और ज़ीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो दूसरी रो का पिवट एलिमेंट है उसको वन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगेन वन बनाने के दो आपके पास दो तीन ऑप्शन हैं, आपने देखना कौन सा ऑप्शन बेहतर है। एक ऑप्शन तो यही है कि ये जो दूसरी रो है जिसका हमने पिवट एलिमेंट जो कि ट्वेंटी है उसको वन बनाना है। एक ऑप्शन तो यही है कि आप इस ट्वेंटी को क्या करें, वन बाई ट्वेंटी से, यानी कि पूरी की पूरी आर टू को जो है वन बाई ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर दें। या पूरी की पूरी आर टू को वन बाई ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आप जो है यहाँ पे ट्वेंटी की जगह जो है वन बन जाएगा, और यहाँ पे जो फिफ्टीन है इसकी जगह आपके पास आ जाएगा फिफ्टीन बाई ट्वेंटी, जो कि कैंसिल आउट होने के बाद जो है वो क्या बन जाएगा, थ्री बाई फोर बन जाएगा। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन यही है कि आप देख लें कि नीचे वाली जो रो लिखी हुई है आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप आर टू में ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं और आपके पास ट्वेंटी की जगह वन बन जाता है तो तब भी आपके पास ठीक है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं लग रहा कि सिक्सटीन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बाद में जो है वो इस ट्वेंटी में ऐड करें तो वहाँ से हमारे पास जो है यहाँ पे वन आ जाए। ये कोई कहना कि वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। ये वाला सिक्सटीन को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन आएगा, ऐड करेंगे तो ट्वेंटी में तो यहाँ पे फोर आ जाएगा। अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की पूरी आर थ्री को यानी कि सिक्सटीन को
तो हमारे पास आंसर जो है -32 आ जाएगा। उसको 20 में से ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे तब भी 1 आने के चांसेस नहीं बन रहे यहाँ पे। तो फिर हम जो है फिलहाल ये वाले ऑप्शन को स्किप कर देते हैं। यहाँ पे जो फिलहाल जो ऑप्शन हमें बेहतर लग रहा है वो यही है कि पूरी की पूरी जो R2 है ये वाली, इसको हम क्या करें 1/20 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की जगह 0 ही रहेगा, 20 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 20 की जगह जब इसका 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 15 को जब आप 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/4। अब आपकी सेकंड रो का पिवट एलिमेंट भी क्या बन गया है, 1 बन गया है। अब हमने क्या करना है, इससे नीचे वाला एलिमेंट जो है उसको 0 बनाना है ताकि जो बाद में आने वाली रो है उसका पिवट एलिमेंट ऑटोमेटिकली इस 1 से आगे चला जाए। तो इस 16 को 0 कैसे बनाएंगे जब इस 16 में, सॉरी -16 को 0 कैसे कब बनाएंगे जब इस -16 में 16 ऐड होगा तब ये 0 बनेगा। अब ये जो 16 ऐड करना है ये हमने क्या करना, कैसे बनाना है, हमने ये दूसरी रो में से बनाना है जिसके पिवट के एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट हम जो है वो 0 बना रहे हैं, यानी कि इस 1 की मदद से हमने जो है वो 16 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड रो है ये वाली R2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, ठीक है। उसके बाद इस 16 R2 को हम R3 में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनली आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा। चेक करके देखते हैं फाइनली आंसर ये वाला आता है नहीं आता। सबसे पहले क्या करना है, R2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो साइड पे करके देखते हैं। 0 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 16 आएगा, और ये जो 3/4 है इसको जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 16 तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4, कैंसिल हो जाएगा इससे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 3×12 और वो वाला आपका आंसर जो है वो यहाँ पे 3/4 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, R3 16, ये जो 16 R2 आपके पास आंसर आया है ये वाला, ये जो मैंने आंसर भी निकाला है, ये मैंने आंसर निकाला है 16 R2 का, ये जो 16 R2 वाला आंसर है इसको आपने क्या करना है R3 में ऐड करना है। तो ये आपके पास यहाँ पे R3 लिखी हुई नज़र आ रही है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 0 को R3 के पहले 0 में ऐड करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आएगा वैसे का वैसे। उसके बाद ये जो +16 है इसको जब हम इस -16 में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये जो +12 है इसको जब R3 के लास्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट -12 में ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जो देख सकते हैं आप ओवरऑल आपके पास यहाँ पे जो है वो एशलोन फॉर्म जो है वो बन गई है। कैसे बन गई है, सारी के सारी जीरो रोज जो है वो एंड पे हैं, और बाकी जो नॉन जीरो रोज है उनका पिवट एलिमेंट जो है वो उनसे पिछली जो रोज है उनके पिवट एलिमेंट से आगे ही है। देख सकते हैं आप इस तरह दो नॉन जीरो रोज है, दूसरी जो नॉन जीरो रो है उसका पिवट एलिमेंट उससे पीछे वाली नॉन जीरो जो रो है उसके पिवट एलिमेंट से आगे ही है। तो इंडियन ये आपके पास क्या बन गई, एशलोन फॉर्म बन गई है। तो जब भी आपने किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है आप उसको जो है एशलोन, या चाहे तो आप रिड्यूस एशलोन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना आसान होता है, रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एक दो स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। तो आप चाहे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम ही आता है। इसलिए आप क्या करें, आसान वे चूज़ करें, आप जस्ट क्या करें अपने गिवन मैट्रिक्स को एशलोन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लें। एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये एशलोन फॉर्म बन चुकी है आपके मैट्रिक्स की। इसमें देखने कितनी नॉन जीरो रोज आ रही हैं, इसमें फिलहाल आप देखें एक और दो नॉन जीरो रोज आ रही हैं। इसलिए इस मैट्रिक्स जो ए आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया था, एग्जांपल में गिवन दिया गया था, उस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, उस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 2 होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 फिलहाल स्किप करवा दिया था, 2 की जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोग करें जस्ट स्टेटमेंट ही करनी है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी मैंने की थी आप लोगों के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी स्किप करवा दिया था, 4 भी स्किप करवा दिया था, 5 के मैंने आप लोगों को दो बार जो है वो क्वेश्चन दिए थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए यूजिंग रो ऑपरेशंस, वो भी आप लोगों ने कर ली हैं।
उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है इनमें से सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको मैंने जो है वो रिड्यूस एक्शन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था आपको करके जो है वो पूरा सॉल्व करके जो है समझाया था। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे, बाकी पार्ट्स आप लोगों को भी इसके करने के खुद करने के लिए दिए थे क्वेश्चन नंबर सिक्स के। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, शो दैट ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये मैट्रिक्स क्या है, इज़ रो इक्विवेलेंट टू i3। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या मतलब है, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये मैट्रिक्स इज़ रो इक्विवेलेंट टू है i3 के, ये आपने शो करना है। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है कि इस मैट्रिक्स को हम जो है वो रो ऑपरेशन लगा के हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल करवाई थी जिसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया था मैट्रिक्स का, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमने क्या किया है, ये आपको गिवन मैट्रिक्स जो दिया गया है ये वाला इसके ऊपर डिफरेंट सूटेबल रो ऑपरेशन लगाए हैं। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर सूटेबल हैं मैट्रिक्स को डेंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो हमने क्या किया डिफरेंट सूटेबल जो है वो रो ऑपरेशन लगाए यहाँ पे इस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए के ऊपर, ये जो आपको गिवन दिया गया है। और ऑपरेशन लगाने के बाद हमने क्या किया अपने मैट्रिक्स को जो है वो आइडेंटी मैट्रिक्स में 3x3 आइडेंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ये आपको एग्जाम्पल मैंने पूरी की पूरी सॉल्व करके बताई थी। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, कॉलम वाइज मूव करते हुए आपको जो क्वेश्चन नंबर सेवन दिया गया है एक्सरसाइज में उसमें जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको रो प्रेशर लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये आप लोगों ने खुद ही क्वेश्चन करना है ये वाला, बिल्कुल रो प्रेशर से जो है वो इजीली आप लोगों से हो जाएगा अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है किस तरह आप लोगों ने जो है वो कॉलम वाइज जो है वो मूव करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बनाना है या गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रैंक ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट और थर्ड पार्ट है आप लोगों ने ये दोनों पार्ट जो है वो करने हैं। इन दोनों पार्ट्स के केस में आप लोगों ने जो है वो जो मैट्रिसेस आपको गिवन दिए गए हैं उन मैट्रिसेस की रैंक जो है वो फाइंड आउट करनी है। और मुझे उम्मीद है आप लोग जो है वो कर लेंगे कि दोनों मैट्रिसेस में आपको जो है वो प्यूट एलिमेंट पहले रो का वन गिवन दिया गया है, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पेश नहीं आएगी। इवन के स्टार्ट करने में कहने के ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पेश नहीं आएगी। ये दोनों पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं क्वेश्चन नंबर एट के पार्ट नंबर वन और थ्री, और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर सेवन है ये भी आप लोगों ने करना है जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, इसको भी फिलहाल स्किप कर दें। और उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टेन में ये कह रहे हैं यूजिंग रो ऑपरेशन शो दैट द मैट्रिक्स हैज़ नो इनवर्स। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि हम चेक कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, यहाँ पे नो इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि किसी मैट्रिक्स का चेक करना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसको चेक करने का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, एक तो क्राइटेरिया ये था कि हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो फाइंड कर लें, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एक क्राइटेरिया तो ये है कि आप डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए चेक कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि आप रो ऑपरेशन के जरिए भी चेक कर सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो यूजिंग रो ऑपरेशन तो आप क्या करें, उस मैट्रिक्स को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करें, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने जो रो ऑपरेशन लगाए हैं गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वही रो ऑपरेशन जो है आप अगेन जो है वो सेम ही जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर अलग से जो है वो सेपरेटली लगाएं, तो इन दी एंड आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। ये है रो ऑपरेशन के जरिए किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करने का तरीका। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एग्जांपल की नज़र आ रही होगी, ये मैट्रिक्स ए था, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब जब हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ये जो रो ऑपरेशन लगाए हैं हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यही रो ऑपरेशन हमने सारे के सारे क्या सेम टू सेम क्या करने हैं, सारे के सारे जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स साइड पर लिख के उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देनी है, सेम टू सेम सेम ही तरतीब के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर देने हैं। अप्लाई करने के बाद इन दी एंड आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, आपका जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया स्टार्ट में ये मैट्रिक्स ए उसका
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो ये आपको मिल जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स। तो ये है रो ऑपरेशन के जरिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने का वे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को जो है वो डंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, और वो डंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि कोई ना कोई एक रो जो है वो जीरो बन जाती है, चाहे पहली बन जाए, चाहे दूसरी बन जाए, चाहे तीसरी बन जाए। तो अगर ऐसा होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को डंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी कोई एक रो जो है वो जीरो बन जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हम उस मैट्रिक्स को डंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। अगर उस मैट्रिक्स को डंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही है कि हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी जो है वो इस प्रोसीजर से फाइंड आउट नहीं कर सकते। और यही आपको क्वेश्चन में जो है वो उन्होंने प्रूव करने के लिए कहा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, उसमें ये कहा गया कि यूजिंग रो ऑपरेशन ये बताएं कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आपने क्या करना है, यूजिंग रो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स को डंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है। जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे कॉलम वाइज, तो आप देखेंगे कि एक दो स्टेप के बाद आपका ये जो मैट्रिक्स है उसकी एक रो जो है वो पूरी की पूरी जो है वो जीरो बन जाएगी, जस्ट जिसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि क्योंकि हम इस मैट्रिक्स को डंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते यूजिंग रो ऑपरेशन, इसलिए इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप लोगों ने करना है। तो